हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है छतरी वाली तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ कौन से कौन सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेसन एनालिसिस करके बताने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे साथ ही मैं फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट के देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची सा पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइस में, अब बात करें साउंड के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकेंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हज़ार में कंपोज किया गया था दो हज़ार जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आप को जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहां पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके

अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहां पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फ़िल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरशन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए हैं सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फ़िल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फ़िल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस ग्रला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टियोस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सो सौ सोलह मिनट का एक टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांडे आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस ज में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए हैं लिरिक्स भी अलग अलग अलगिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीद दे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021 22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक के डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिलजी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्रील सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनिलजी चौहान गंधर्व और सजदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरीश वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश आर राज भट्ट ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेश आर राज भट्ट ने इसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा की इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीब 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई है प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट है से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट में, अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहा पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हज़ार में कंपोज किया गया था दो हज़ार जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो को जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा सतदेवात्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके

अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहां पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करती है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके सेट हुई है फिल्म जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी, -टी म्यूज़िक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई है रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफ़ी क्रिस वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए हैं सभी की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस ग्रुवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टियोस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट के देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची साह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में ला, लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूज़िक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज़ किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए हैं लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि

जो एक टाइटल ट्रेक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिवस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहा पे सिंगर सिंगर है सोन जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सच देवा सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार खरे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनू जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी स्वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेशर राज भट्ट ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेश में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म के की कहानी सेट की हुई है अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूज़िक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको बीस 20 जनवरी दो से देखने को मिली होगी जी के ऊपर जहाँ पे बीस जनवरी दो इस फिल्म की रिलीज़ डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए हैं जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट्स से है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आप देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सो सौ सोलह मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन वाले इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेजिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस में, अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए हैं लिरिक्स भी अलग अलग अलगिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डीसेंट प्राइस में खरीद हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश आर राजभ ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर आर राज ने इसको गाया हुआ था टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया तिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी सेट किए हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फ़िल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूज़िक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको बीस 20 जनवरी दो से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे बीस जनवरी दो इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफ़ी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ एंजॉय इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट के देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धींगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांडे आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइस में, अब बात करें साउंड के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकेंड का एक साउंड ट्रेक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हज़ार में कंपोज किया गया था दो हज़ार जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आप को जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहां पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके

अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट क्या हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहां पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट्स से है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आप देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस ग्रला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टीओस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सौ सोलह मिनट का करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट में, अब बात साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हजार में कंपोज किया गया था दो हजार जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक के डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिलजी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनीजी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पर चौथा गाना

पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा की इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए फिल्म में जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फ़िल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज़ डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफ़ी वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर और सेट किया हुए हैं सभी की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट्स से है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो Z5 के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस त्योस्कर का था वहीं पर इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज़ दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए जी फाई के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धींगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए तो नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म है जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलगिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रेक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करे तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइज में खरीद हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था दो हजार के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहां पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिवस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिल जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्रली सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पर चौथा गाना

पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में साथ कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके सेट किए हुए हैं फिल्म जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएट्रिकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थॉट चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूज़िक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आरएसवीपी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धींगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांडे आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनित तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में ला, लाने, का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइज में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी बता दो जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हजार में कंपोज किया गया था दो हजार जनवरी दो को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोसकर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनल जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सच देवा सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश दुर्गेशर राजभ ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेसार राज भट्ट ने इसको गाया हुआ था टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म के कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर बीस पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई रकुल रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक प थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट है से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सो मिनट का एक करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची साह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकेंड का एक साउंड ट्रेक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हज़ार में कंपोज किया गया था दो हजार जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो को जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सतदेवा श्री सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके

अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहां पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इंपोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी से किए हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफ़ी क्रिस वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए हैं सभी की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेजिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक, तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग अलगिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीद

और विजय तियोस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिल जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिलरी ने और सिंगर थी सोनिजी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी स्वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक सार राज ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी में आप जी के के सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सान्या के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहां पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री इंजीनियर है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इंपोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको बीस 20 जनवरी दो से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे बीस जनवरी दो इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए हैं सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट्स से है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस ग्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज़ के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टियोसकर का था वहीं पर इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई इसके अलावा एडिटिंग किए एक सौ सोलह मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धींगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म है जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलगिस के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रेक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करे तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइज में खरीद खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोसकर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पर चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश आर राजभट्ट ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर आर राजभ्ट ने इसको गाया हुआ था टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीब 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया दर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची साह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइस में, अब बात करें के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हज़ार में कंपोज किया गया था दो हज़ार जनवरी दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आप को जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिजी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना

पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फ़ीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे, लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई है रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फ़िल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के ही पास है तो ये फ़िल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रुवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पर राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस ज में अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म है जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलगिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रेक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करे तो उससे पहले बता दो जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइज में खरीद हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है, जिसमें टोटल फुल तो एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिओस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक के डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिलजी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्रीली सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनीजी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पर चौथा गाना

पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा की इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी सेट की फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट हुई है फिल्म जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएट्रिकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ टी टी रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन हज़ार वोट मिले हुए हैं जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोस्फियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस वे में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट्स से है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धींगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म है जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलगिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रेक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करे तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइज में खरीद मिनट सेकंड का एक जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 हजार जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तियोस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक के डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनी जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा सतदेवात्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सच वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश आर राज भट्ट ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेश आर राज भट्ट ने इसको गाया हुआ था टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्री सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए फिल्म में जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ा चेंज करते हुए जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुल रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक प थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी Z नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको Z सिनेमा और Z सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोस्कर का था वहीं पर इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पर राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाए लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट

अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूज़िक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज़ किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए हैं लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिक्स के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छत्री वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिलजी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पर चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश आर राजपट ने दिया हुआ था वहीं पे हेमानी कपूर दुर्गेश आर राजपट ने इसको गाया हुआ था थे टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बे उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुई अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए फिल्म फिल्म जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूज़िक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको बीस 20 जनवरी दो से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे बीस 20 जनवरी दो इस फिल्म की रिलीज़ डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए हैं जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज़ किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी टी और सेटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट्स से है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरन था वो तेजस तियोसकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने मिनट मिनट का टाइम दिया हुआ हुआ है है कि कि फिल्म फिल्म आपको घंटे घंटे से भी कम कि एक के देखने को को मिलेगी तो फिल्म को काफी रखा म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने खरीदे हुए जी के पास है, राइट्स। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइज में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए हैं लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि

जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिओस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनू जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूँ उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा देवा श्री ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोन जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पर चौथा गाना दिया हुआ था वहीं परिमी कपूर चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफ़ी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डब्बू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज़ करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीज़ों में पूरी फिल्म कहानी से की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म जिसे आप ज़रूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज़ देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको बीस 20 जनवरी दो से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे बीस जनवरी दो इस फिल्म की रिलीज़ डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए हैं जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीज़ें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज़ किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफ़ी क्रिस वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ टी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी फाइव के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस छतरी वाली फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी हुई है साथ ही में इस फिल्म के ऊपर एक डीप में रिव्यू की हुई है जहाँ पर मैंने स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म की कहानी के ऊपर एक एक्सप्लेनेसन एनालिसिस और साथ ही में कुछ चीज़ें थी वो मैंने आप के साथ शेयर किए हुए साथ ही में इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक प्रॉपर एनालिसिस हो चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू